साथियों, एक समय था जब कहा जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं, ऐसा पहले कहा जाता था। ये कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है, डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है, एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। यानी कभी C, कभी D, कभी E। अलग अलग कालखंड में ये बात संभवतः सही भी रही है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और जानते हैं, इन सारे संबंधों का सबसे बड़ा आधार क्या है? जानते हैं? जी नहीं, सबसे बड़ा आधार है म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट सिर्फ भारत ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमेटिक रिश्तों से विकसित नहीं हुआ है, इसकी असली वजह है, इसकी असली ताकत है आप ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हर एक भारतीय। आप उसकी असली ताकत है, इसकी असली वजह है ऑस्ट्रेलिया के 2.5 करोड़ से ज्यादा सिटीजन्स। साथियों, हमारे बीच भौगोलिक दूरी जरूर है, लेकिन हिंद महासागर हमें आपस में जोड़ता है। हमारी जीवन शैलियां भले अलग अलग हो, लेकिन अब योगा ये भी हमें जोड़ता है। क्रिकेट से तो हम ना जाने कब से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब टेनिस और फिल्में भी हमें जोड़ रही है। हमारे यहां खाना बनाने का तरीका भले अलग अलग है, लेकिन अब मास्टर शेफ हमें जोड़ता है। हमारे यहां पर्व त्योहार भले अलग अलग मनाए जाते हैं, लेकिन हम जुड़े हुए हैं दिवाली की रौनक से, बैसाखी के जश्न से। हमारे यहां भाषाएं भले अलग अलग बोली जाती हो, लेकिन हम जुड़े हुए हैं मलयालम, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, हिंदी। भाषाएं पढ़ाने वाले इतने सारे स्कूलों से